गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेंडर, क्लास 9th, सब्जेक्ट उर्दू। तो प्यारे बच्चों, आज हम जेंडर यानी मुजक्कर मुअन्नस, जिसे तज़किर तानिस भी कहते हैं, उसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं। मुजक्कर मुअन्नस यानी जिन्स, कोई भी जो इस्म होता है यानी कोई भी जो नाम होता है, वो चाहे कुछ भी हो, जानदार हो या बगैर जानदार हो, या तो वो मुजक्कर होगा या फिर मुअन्नस। इस्म की इसी खसूसियत को यानी नाउन की या नाम के जो इसी खसूसियत को जिन्स कहा जाता है, जिन्स यानी जेंडर कहा जाता है। वैसे इंग्लिश में जेंडर 4 है, लेकिन उर्दू में इसको मर्ज करके 2 किस्मों में बटा गया है, जिन्स हकीकी, जिन्स गैर हकीकी। जिन्स हकीकी से मुराद है जिससे जानदारों के जो मुजक्कर मुअन्नस या तज़किर तानिस का पता चलता है। जिन्स हकीकी से मुराद इसम की मुजक्कर मुअन्नस, कोई भी जो नाम है उसके जो मुजक्कर या मुअन्नस होते हैं, उसे ही जिन्स हकीकी कहते हैं। या जिन जानदार के नर के मुकाबले में उसका मादा यानी कोई भी जो जानदार है जिसके अंदर जान होती है, उसके मेल के मुकाबले में उसका फीमेल यानी उसके जो नर होते हैं, नर के मुकाबले में उसका मादा, और मादा के मुकाबले में नर हो, उसे जिन्स हकीकी या तज़किर तानिस हकीकी कहते हैं। जैसे का घोड़ी, घोड़ा से घोड़ी, मर्द से औरत, बकरा से बकरी, ऊँट से ऊँटनी, तो ये मुजक्कर के मुअन्नस है, ये जानदार है उसी के मुजक्कर के मुअन्नस होते हैं, तो इसी को ही जो है जिन्स हकीकी कहते हैं। हर दो मुख्तलिफ़, हर दो से मुराद है यहाँ पे मुजक्कर मुअन्नस, यानी मुजक्कर और मुअन्नस के लिए इलादा इलादा अल्फाज मौजूद होते हैं, यानी इसको बनाने के, मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के जो है दो तरीके होते हैं। एक तो मुजक्कर या मुअन्नस के अलग-अलग अलग अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरी बात यह है कि उसके इलामात यानी मुख्तलिफ इलामात के ज़रिए, मुख्तलिफ सिंबल्स के मदद से मुजक्कर से मुअन्नस बनाए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। दर्जा ज़ैल को मुख्तलिफ इलामात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर दो मुख्तलिफ यानी मुजक्कर और मुअन्नस के लिए अलग-अलग अलग अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे अब्बा से अम्मा, खान से खानम, सोहर से बीवी, सास से ससुर वगैरह जो है, ये वर्ड का जो है दूसरे वर्ड में लगाया जाता है। लेकिन सिंबल में क्या होता है कि उसके वर्ड को जो है उसी तरह से कुछ सिंबल ऐसे होते हैं उस लफ्ज़ में कि उसको हटा करके जो है उसका मुअन्नस लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हर दम मुख्तलिफ यानी मुजक्कर मुअन्नस के लिए अलग-अलग अलग अल्फाज इसमें रहते हैं, यानी उसके सेपरेटली अलग ही जो है कुछ वर्ड उसको इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अब्बा है, अब्बा वर्ड अलग है, उसकी जगह पे अम्मा, खान खानम। तो मुख्तलिफ इलामात के ज़रिए जो मुअन्नस का पहचान करते हैं, उसके चंद मिसालें यहाँ पे दिए गए हैं। मुजक्कर इस्म के आखिर में अगर अलिफ हो और छोटी हे हो,
तो उसको याद देते हैं, यानी उसको याए मारूफ, याए मारूफ किसे कहते हैं, ये गोल वाला ये को याए मारूफ कहा जाता है। तो इस याए मारूफ से जो है उसको मोनस बना देते हैं, जैसे लड़का, लास्ट में आखिर में जो है अलिफ आता है, तो लड़का में अलिफ आया, यहाँ पे पहले बताया गया है जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हो और छोटी हे हो उसको याए मारूफ से बदल देते हैं। कौन सा, ये से, ये वाला ये से बदल देते हैं, तो वो मुअन्नस बन जाता है, जैसे लड़का से लड़की। यहाँ पे कौन सा ये इस्तेमाल हुआ है, याए मारूफ इस्तेमाल हुआ है, तो इसी वजह से जो है ये सिंबल की मदद से यहाँ पे बनाया गया है। इसी तरह से अंधा से अंधी, घोड़ा से घोड़ी, बकरा से बकरी, इस तरह से ये मुजक्कर के मोनस बनाए गए हैं। बेटा से बेटी, दादा से दादी, सहजादा से सहजादी वगैरह। दूसरा रूल्स यानी दूसरा रूल है जिसमें चंद मुजक्कर इस्मों के आखिर में याए मारूफ बढ़ाकर मोनस बना देते हैं, यानी चंद मुजक्कर इस्मों के इस्मों से यहाँ पे मुराद है इसम यानी नाम के आखिर में याए मारूफ, याए मारूफ यानी गोल वाला यही कोई कहते हैं, ये वाला या से ही जो है बढ़ा करके उसको मोनस बना देते हैं। जैसे पठान है अगर से पठानी, कबूतर से कबूतरनी, हिरण से हिरणी, तीतर से तीतरनी, ये उनके मुजक्कर के मोनस बनाए गए। मुजक्कर इसम के आखिरी हरूफ को नून से बदलकर या आखिरी हरूफ के आगे नून बढ़ाकर मोनस बनाते हैं, यानी मुजक्कर इसम के आखिर में यानी कोई भी जो मेल है उसके आखिर में जो है नून बढ़ा देने से या नून लगा करके जो है उसको मोनस बनाए जाते हैं। जैसे धोबी है तो धोबी से धोबी का मोनस धोबन, यानी लास्ट में नून ऐड कर दिया या जोड़ दिए, तो इससे वो मोनस बन गया। नाग से नागिन, ग्वाला से ग्वालिन, दूल्हा से दुल्हन, हाजी से हुज्जन, जोगी से जोगन, चमार से चमारन, ये इस तरह के जो है मोनस बनाए गए हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर पर कायदे में बताया गया है चंद मुजक्कर इस्म ऐसे हैं, यानी कुछ मुजक्कर ऐसे भी हैं जिनके आखिर में न्यूजनी या अनी लगाने से वो मोनस बनाया जाता है। जैसे शेर है, शेर, शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी, लास्ट में क्या जोड़ा गया, न्यूजनी जोड़ा गया, न्यूजनी ऐड हुआ, तो इस तरह से जो है शेर से शेरनी बन गया। उस्ताद से उस्तानी, फकीर से फकीरनी, यहाँ पे भी न्यूजनी का ही इस्तेमाल किए गए हैं, ऊँट से ऊँटनी, फकीर से फकीरनी वगैरह। इसके बाद छठा नंबर पे बता रहे हैं अरबी ज़बान के अल्फाज के आखिर में जो लैंग्वेज है अरबी, अरबी ज़बान के जो लफ्ज़ होते हैं, वर्ड होते हैं, उनके आखिर में छोटी हे बढ़ाकर मोनस बनाते हैं। ये भी हम लोग जो है जो जिन्स हकीकी है यानी मुजक्कर मोनस जो जानदार है उसके ही जो है मुजक्कर मोनस के कायदे या असूल को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे जो बग़ैर जानदार है
जैसे जानदार है उसको तो हम लोग बखूबी समझ लेते हैं कि ये मुजक्कर है, अगर घोड़ा है तो मुजक्कर है, घोड़ी है तो मोनस है। लेकिन जो बेजान भी होते हैं उसको जानेंगे अभी दूसरे क्लास में। तो आज जो है हम लोग सिर्फ जो जानदार चीज़ें हैं उसके ही बारे में, जो उसके असूल है मुजक्कर से मुनस बनाने के, उसी को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये तो बता दिए, छठा नंबर पे हैं अरबी ज़बान के अल्फाज के आखिर में छोटे हे यानी गोल वाला हे जो होते हैं उनको बढ़ाकर मुनस बनाए जाते हैं। जैसे वालिद, वालिद से वालिदा, यानी ये मुजक्कर से मुनस बन गया, हे ऐड कर दिए, हे लगा दिए तो ये मुनस हो गया। मोहतरम से मोहतरमा, मौलिम से मौलिमा, वारिस से वारिसा, नाजिम से नाजिमा। नाजिम जो मैनेजर यानी मुनीब होते हैं या फिर देखभाल करते हैं। वारिस जिसका कोई औलाद होते हैं संतान। इस तरह से जो है सातवें नंबर पे आता है बाज़ जानवर ख्वाह नर हो या मादा, वो मुजक्कर ही इस्तेमाल होते हैं। यानी कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिसको लोग मुजक्कर ही में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि भले ही वो मुअन्नस हो फिर भी लोग उसको मुजक्कर ही में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चीता, कछुआ, भेड़िया, जुगनू, अजदहा, खरगोश, झिंगीर, सार्स, चीता वगैरह जो है ये लोग इसको मुजक्कर ही में इस्तेमाल करते हैं। इनके मादा के लिए यानी इसको मौनस बनाने के लिए कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है, उसके लिए जो है कुछ रद्द बदल या चेंजिंग नहीं लाते हैं, बल्कि उसके पहले ही वर्ड से पहले ही जो है मादा लफ्ज़ यानी फीमेल वाला जो वर्ड होता है मीमल जो मादाल मादा ये वाला लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले ही इसको लगा दिए जाते हैं। जैसे कौवा है तो मादा कौवा, मादा चमगादड़, मादा खरगोश, मादा झिंगीर, मादा जुगनू, मादा खटमल वगैरह को इसको ऐसे लाते हैं। आठवां नंबर पे हैं कुछ जानवर या परिंदे ऐसे होते हैं जो हमेशा मोनस बोलते हैं, यानी ये तो मुजक्कर भी होते हैं मोनस भी होते हैं, लेकिन इसको लोग जो है दोनों को मोनस ही में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चील, मैना, मकड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, लोमड़ी वगैरह, यानी ये मुजक्कर मोनस दोनों होते हैं, लेकिन इसको लोग जो है मुजक्कर मोनस में ही जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इनके नर के लिए कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है जिस तरह से वहाँ पे मुजक्कर में बताएं, तो इसके नर के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसके शुरू में भी जो है नर लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। नर जो नर वाले वर्ड है लफ्ज़ है इसको पहले से ही लगा दिया जाते हैं। जैसे नर मक्खी यानी मेल मक्खी हो गया, नर मछली, नर छिपकली, नर लोमड़ी वगैरह, इससे जो है ये मोनस बनाया गया। तो आज यही तक हम लोग रखते हैं, अगला दिन जो है जो गैर जानदार है जिन्स गैर हकीकी उसके बारे में जानेंगे।